Hello, I'm Dr. Shraddha Chakhyar. I'm an IVF specialist at Shraddha IVF Center, जो कि यूनिट है निरंजन आरोग्य निकेतन बिकमा पहाड़ी पटना 4 का. मैंने MRCOG लंदन से किया है एंड आई एम ट्रेन्ड इन IVF. आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि श्रद्धा IVF में IVF कैसे किया जाता है, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी की पद्धति क्या है. IVF की जो पद्धति है उसमें महिला को मासिक के दूसरे दिन बुलाया जाता है और हम लोग अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि पहले से कोई कुछ सिस्ट वगैरह तो नहीं है. अगर सब कुछ ठीक रहता है तो उन्हें 10 से 12 दिन इंजेक्शन दिया जाता है और इंजेक्शन देने के बाद जब अंडे तैयार हो जाते हैं तो ट्रिगर दिया जाता है और ट्रिगर के 36 घंटे के अंदर, यूजुअली 35 to 36 आवर्स में, हम लोग बेहोश करके वो अंडे निकाल लेते हैं, पति के कीड़े से मिलाते हैं और छोटे छोटे एम्ब्रियोज बनाते हैं. मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा जो IVF लैब है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लेटेस्ट नॉर्म्स है उसके हिसाब से बना है. वी आर वेरी लेटेस्ट इन इट. और जब एम्ब्रियोज बन जाते हैं या तो वो फ्रेश साइकिल में ट्रांसफ़र होता है, अगर अगर महिला का बच्चेदानी का लाइनिंग ठीक से बना हो, नहीं तो वो फ्रोजन साइकिल, नेक्स्ट साइकिल या नेक्स्ट टू नेक्स्ट साइकिल में ट्रांसफ़र होता है. और हमारा सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा है और आपको विश्वास करना होगा अपने डॉक्टर पे. आइए, आके इलाज कराइए. और वो सारे निसंतान कपल जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे पास वो जो भी कपल आए जो इलाज कराएं, उन सभी को बच्चे मिले, पुत्र या पुत्री मिले. सो आई वॉन्ट टू से बिलीव इन IVF, बिलीव इन श्रद्धा IVF. इट्स अ यूनिट ऑफ निरंजन आरोग्य निकेतन, बिकना पहाड़ी, पटना 4.